अखिलेश के सामने सपाइयों पर बरसे रामगोपाल यादव। प्रोफेसर रामगोपाल यादव सपाइयों को दिया भाजपा का उदाहरण। रामगोपाल बोले, अखिलेश के आगे पीछे लगने से नहीं आएगी सरकार। सपाइयों को सुधारने के लिए रामगोपाल ने सुनाया पुराना इतिहास। मौका था मुलायम सिंह यादव की जयंती का। सैफई में भव्य कार्यक्रम का आयोजन था। अखिलेश, शिवपाल समेत सभी दिग्गज सपाई सैफई में थे। अखिलेश और डिंपल को देखने के लिए हुजूम उमड़ा था, लेकिन पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ये हुजूम देख खुश नहीं, भड़क गए। रामगोपाल यादव भाषण देने पहुंचे तो पहले अखिलेश के पीछे पीछे दौड़ने वालों पर फायर हो गए और मंच से भाजपा का उदाहरण देते हुए सपाइयों को सबक सिखाया। रामगोपाल यादव ने कहा, पीछे पीछे दौड़ने से अखिलेश की सरकार नहीं आएगी। अगर सरकार लानी है तो वो करना पड़ेगा जो हम लोगों ने किया है। पीछे तक इनको बार बार समझाया गया है, ये कल लिखेंगे प्रेस वाले, कुर्सियां खाली पड़े थी और जितनी कुर्सियां हैं उससे ज्यादा लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और इनका उत्साह का मैं आपको एक और बताऊं, बुरा मत मानो इधर खड़े हुए लोग, ये जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं उनकी धारणा है कि इसी तरह के लोगों की वजह से हम चुनाव हार गए। मैं सब पूछ रही आप किसी को भी, ये सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए यहाँ डिस्टर्बेंस करते हैं। पीछे सब कुर्सियां खाली, उन पर कोई बैठेंगे नहीं और मुंह दिखा देंगे मैं आए थे यहाँ और जाएंगे। एक वोट नहीं पूछ लीजिए इनमें, एक वोट बढ़ाने का काम नहीं होगा, आदेश यादव का खुद का वोट नहीं होगा। लेकिन बात बहुत लंबी चौड़ी करेंगे इधर खड़े के, किसी भले आदमी को अखिलेश के पास नहीं जाने देंगे, आगे अभी घेर लेंगे, यहाँ से निकलेंगे तो इनकी जो गाड़ी है वो पिचक जाएगी। लेकिन ये मजे बीजेपी के साफ कार्यकर्ता के, हम ये कहते हैं बीजेपी की 100 गाड़ियां चल रही, हमारे उम्मीदवार के साथ 10 गाड़ियां भी, हमने तो साइकिल भी चला के देखा है, एक गाड़ी से भी चुनाव लड़के देखा है। इतना ही नहीं, रामगोपाल यादव ने उदाहरण देते हुए कहा कि चुनाव पैसे से नहीं जज्बे से होता है। आज के दौर में कार्यकर्ता वीआईपी गाड़ी से 4 गांव में घूम पाते हैं। पुराने दौर में साइकिल से पूरे जिले में प्रचार होता था, तब चुनाव सस्ता था और आम कार्यकर्ता नेता बनता था। लेकिन अब खुद कार्यकर्ताओं ने ही ऐसा माहौल बना दिया है कि गरीब चुनाव ही नहीं लड़ सकता है। वहां से साइकिल से जाते थे 10 लड़के और जाते थे, और कोई ऐसा गांव जसवंत नगर क्षेत्र का नहीं है, खासतौर से बसरेहर ब्लॉक का, तब ये ब्लॉक दो ही थी जसवंत नगर और बसरेहर, जिसके घर घर में हम लोग न गए हों। कोई जीप नहीं थी, कुछ नहीं, केवल साइकिल से गए, चुनाव के वक्त भी कुछ नहीं था, साइकिल से गए और चुनाव जीते। 69 में भी कोई गाड़ियां नहीं थी, 74 में एक आध जीप आ गई, उससे नेता ही चलते थे और लोग, कुछ लोग गांव के लोग ट्रैक्टर से ही चले जाते थे, मोटरसाइकिल से गए बाद में। तो इस यहां से शुरू किया था कोई। अब तो यह है कि अगर 4 पोलिंग का सेक्टर बना दो उसके लिए गाड़ी चाहिए। आप बताइए, एक गाड़ी से एक सेक्टर को 10 बार आप कवर कर सकते हो, तब भी घर घर नहीं जाते, और 100-100 गाड़ियां चलती हैं। तो कोई जो आप में से जो अच्छा कार्यकर्ता है, जो बढ़िया कार्यकर्ता है, जो संघर्ष करने वाला है, वो इस पे, और गरीब है, क्या चुनाव लड़ सकता है? कभी नहीं लड़ सकता है। तो ये खत्म कीजिए संस्कृति। रामगोपाल यादव का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि जिस तरह अखिलेश के सामने रामगोपाल ने कार्यकर्ताओं को नेतागिरी का पाठ पढ़ाया, वह भले ही कड़वी हो लेकिन सपा के लिए दवाई है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव भी कभी कभी कार्यकर्ताओं को संसाधनों से निकल संघर्ष करने की सलाह देते थे, लेकिन उनके निधन के बाद सबसे सीनियर रामगोपाल यादव ने एक अभिभावक की भूमिका में कार्यकर्ताओं को सबक सिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।